तो वहीं पेपर लीक मामले में एडीजी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना कि पेपर लीक कराने के मामले में प्रयागराज और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ लोग पकड़े गए जिनसे पूछताछ की जा रही है। एडीजी ने बताया कि प्रयागराज और पश्चिम उत्तर प्रदेश से कई आरोपी हिरासत में लिए गए। इसके साथ ही पेपर कराने वाली एजेंसी भी शक के घेरे में। अगर पेपर कराने वाली एजेंसी की ओर से जरा सी भी लापरवाही मिलती है तो उसको भी ब्लैकलिस्टेड कर देंगे। कोई भी संस्था अगर इसमें जिसने भी इस तरह की छेड़छाड़ का प्रयास किया है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई शासन के द्वारा की जाएगी। अभी जो इंडिविजुअल पकड़े गए हैं उनके सभी चीजें तस्दीक की जा रही हैं कि कहां से ये कहां से इन्वॉल्व हैं, किसी गैंग से इन्वॉल्व हैं या किसी संस्था से इन्वॉल्व हैं या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। इन सभी चीजों को हम इसका परीक्षण करें। ऐसी कोई चूक की बात नहीं है। हमने कहा कि शासन दृढ़ संकल्प है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और पवित्र परीक्षा कराने के लिए और इसमें सफलता मिली है और हमने ऐसे 23 व्यक्ति को पकड़ा है। हम बच्चों को फिर से परीक्षा लेंगे ताकि हमारे युवाओं का भविष्य प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश बिहार के इसमें बिहार के कुछ लोग पकड़े गए हैं। ये सभी चीजें वेचना से ही पता चलेगी कि कौन किसका कितनी क्रिमिनल लाइबिलिटी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के भी सॉल्वर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं नकल माफिया सक्रिय थे जो कि आज करीब 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रशांत कुमार डीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी जो इस मामले में असक्रिय भूमिका निभा रहे थे। कंप्रेसर नमन के साथ अनूप सिंह जनता टीवी लखनऊ।